नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। आज की खबर ऐसी जिससे पूरे छतरपुर जिले को खुशी हो सकती है। छतरपुर के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि छतरपुर में विकास की लाइफलाइन कहे जाने वाले फोर लेन निर्माण के काम को गति मिल रही है और अब छतरपुर के एक बाईपास के एक हिस्से की शुरुआत भी हो चुकी है। छतरपुर से गुजरने वाले झांसी और कानपुर के वाहनों को अब छतरपुर, नौगांव और मऊसहनिया में नहीं घुसना पड़ेगा। इन वाहनों को नौगांव के समीप बिलहरी से सीधे बाईपास मिल जाएगा और जिसके माध्यम से ये बगैर इन तीन शहरों में घुसे हुए सीधे कानपुर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग 1310 करोड़ रुपए की लागत से छतरपुर जिले में छाती पहाड़ी से लेकर बमीठा तक के फोर लेन का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण को 6 महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन विभिन्न दिक्कतों के कारण ये काम पूरा नहीं हो सका। लेकिन छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के सक्रिय प्रयासों से अब धीरे धीरे इस काम को गति मिल चुकी है और अब ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता सुबोध त्रिपाठी ने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है, देखिए। छतरपुर जिले में विकास की लाइफलाइन कहा जा रहा झांसी खजुराहो फोर लेन का निर्माण इन दिनों तेजी से चल रहा है। छतरपुर जिले की सीमा में इस फोर लेन का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो इसलिए अब कलेक्टर शीलेंद्र सिंह NHAI के इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की हर सप्ताह समीक्षा कर रहे हैं। लगभग 1310 करोड़ रुपए की लागत से छतरपुर जिले की सीमा में छाती पहाड़ी से लेकर बमीठा तक चल रहे फोर लेन के इस निर्माण को 31 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने निर्माण कंपनी PNC, NHAI और सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, अभी कल ही PNC कंपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे और SDMs के साथ समीक्षा की गई है। उसमें पहाड़ी बंदा से जो महोबा रोड है वहाँ तक उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक पूरा इसको करके कंप्लीट कर देंगे, जिसमें मार्किंग, लाइट और वो सारा हो जाएगा। अभी नौगांव से लेकर के महोबा रोड तक वाहन जा सकते हैं बट उसमें अभी कुछ कुछ 10-20% काम बाकी है। और इसके साथ साथ महोबा रोड से जो सरानी जो बाईपास है पूरे छतरपुर का गठेवरा तक, ये काम उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक कंप्लीट करके देंगे, बिकॉज अब वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और पूरा कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उन्होंने 31 जनवरी तक बमीठा तक करके देने का आश्वासन दिया। और इसकी अब मैं हर हफ्ते समीक्षा कर रहा हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो सके और लोगों की परेशानियाँ। कलेक्टर ने NHAI और PNC को 31 दिसंबर तक का लक्ष्य दिया है। छतरपुर से सटे महोबा रोड तक बाईपास पूर्ण हो चुका है। अब महोबा रोड से सरानी गठेवरा होते हुए यही बाईपास पन्ना रोड पर ग्राम चंद्रपुरा के आगे खुलेगा ताकि कानपुर और झांसी के वाहन पन्ना रोड के लिए शहर के बाहर से ही गुजर जाएं। महोबा रोड से चंद्रपुरा तक के इस बाईपास को 31 दिसंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि चंद्रपुरा से बमीठा तक का निर्माण कार्य 31 जनवरी तक पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर 85 किलोमीटर के इस फोर लेन का निर्माण आगामी 2 महीने में पूरा हो सकता है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं छतरपुर के बाईपास पर, जो आप जो है पीछे देख रहे होंगे ये नौगांव से निकलकर छतरपुर तक 27 किलोमीटर का बाईपास तैयार हो गया है। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा लगातार बैठकें की जा रही थी, PNC और NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही थी कि जो बढ़ता छतरपुर में ट्रैफिक का दबाव है, बाधा जो जाम से मुक्ति मिलने के लिए लोगों के लिए ये दिवाली पर सौगात मिल चुकी है। जो 27 किलोमीटर का बाईपास है ये बनकर तैयार हो गया है। नौगांव के समीप बिलहरी से ये जो बाईपास है ये छतरपुर के महोबा रोड पर ख़त्म होता है। तो यानी हम आपको बता दें कि 27 किलोमीटर का जो बाईपास है वो लोगों के लिए शुरू हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर से भी, छतरपुर के कलेक्टर से भी बात की गई है, तो उनका ये कहना है कि NHAI के अधिकारियों से लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 31 जो दिसंबर तक है संभवतः आधे से ज़्यादा भी कार्य संपन्न हो जाएगा और 31 जनवरी तक पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो पहाड़ी बांध से खजुराहो तक जो रोड है वहाँ तक यदि पूरा नहीं हो पा रहा है तो महोबा रोड तक
ये कार्य पूरा संपन्न हो जाएगा। तो यानी हम आपको बता दें कि पूरा कार्य यहाँ पर पूरा हो चुका है, जो बाईपास का है 27 किलोमीटर का कार्य है, जहाँ पर वाहन भी दौड़ने लगे हैं। यानी नौगांव से जो वाहन चढ़ेंगे वह महोबा रोड बाईपास पर उतरेंगे और इस पर जो लाइटिंग की है वह भी प्रक्रिया चल रही है, वह भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। संजय अवस्थी के साथ सुबोध त्रिपाठी, पेप्टिक टाइम, छतरपुर। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारी खबरों को हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।